बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक आप लोगों ने इबलीस के बारे में सुना होगा। ये इबादत से हमेशा गुमराह करता है। आज का वाकया इतना अजीब है कि जैसे ही आप सुनेंगे आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक शख्स अंधेरी रात में नमाज के लिए निकला। अंधेरी की वजह से इसे ठोकर लगी, जिसकी वजह से वो कीचड़ में घिर गया और वो वापस घर आया, कपड़े बदले और फिर से नमाज के लिए निकल गया। फिर से वो उस कीचड़ में दोबारा गिर गया, उसके कपड़े गंदे हो गए और वो अपने कपड़े बदलने के लिए घर गया, कपड़े बदले, नमाज के लिए निकला। देखा तो घर के बाहर एक शख्स खड़ा था जो अपने हाथ में चिराग लिए हुए था और वो नमाजी को मस्जिद तक ले गया और नमाजी ने नमाज पढ़ी और वापस घर आया तो नमाजी ने उस चिराग वाले शख्स से पूछा, तुम कौन हो जो मेरी मदद करने के लिए आए और मुझे मस्जिद तक छोड़ा और तुमने नमाज भी नहीं पढ़ी। चिराग वाला शख्स बोला, सच बताऊँ तो मैं शैतान हूँ। नमाजी हैरत में आ गया और सोचने लगा, तुम शैतान हो तो तुमने मेरी मदद क्यों की, तुम मेरी नमाज रोक भी सकते थे। शैतान बोला, जब तुम्हें पहली बार ठोकर लगी तो अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए। सुभान अल्लाह, जब तुम्हें दूसरी बार ठोकर लगी तो अल्लाह ने तुम्हारे पूरे ख़ानदान के गुनाह माफ़ कर दिए। और अगर तुम्हें तीसरी बार ठोकर लगती तो मुझे डर था कि अल्लाह तुम्हारे पूरे गांव के गुनाह माफ़ ना कर दे, इसलिए चिराग लेकर आया हूँ। इस शख्स ने अल्लाह ताला की बरगाह में सर झुका दिया। तो दोस्तों, ये है अल्लाह ताला की शान। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।